लक्ष्मी वॉल्वर सेंटर। तो चलिए आगे घूम के आते हैं, चलिए आगे चलिए। अब हम मैकलोड रेंज की मार्केट के अंदर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सैमसंग गैलेक्सी वगैरह, अनुपम क्वालिटी, आमूल, सबके सेंटर बने हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। भैया मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कंपनी के प्रचार करने के लिए मैं नहीं आया, मैं तो अपना यूट्यूब बना रहा हूँ बस, ताकि आप लोग देख सके, ठीक है जी, मेरे साथ मैकलोडगंज घूम सके। छोटी सी जगह में गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, मोमोज की दुकान है काफ़ी यहाँ पे, और गर्म कपड़े बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। और मुझे शॉपिंग करनी अपने लिए आती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग नहीं कर सकता। मेरी सखी उसने बोला भैया मैं ना कुछ नहीं जा सकता, और हमने अपनी मैडम से धर्मपत्नी से बात की, भैया मैंने कहा मेरे को नॉलेज नहीं है, कहती कोई बात नहीं घूम फिर के इंजॉय करो, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स भी कहती है, मैंने सॉरी मैं किसी के लिए सामान लेने नहीं गया हूँ, मैं खुद मौज मस्ती करने गया हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री होकर रहता हूँ। लाइन से यहाँ दुकान है बहुत अच्छी जैसे होती है, हेलो, जैसे कैप्स, शूज। यहाँ पे मैंने शॉपिंग की थी, पहले चश्मे लिए थे यहाँ से मैंने, यहाँ पे भी अच्छे अच्छे शॉपिंग पॉइंट हैं, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ माला है, आध्यात्मिक है दुकान, काफ़ी कुछ है। और भाई वाह, कैफे, बहुत सुंदर कैफे है, बहुत सुंदर, ज़बरदस्त, बढ़िया, भाई वाह, एंटिक चीज़ें सारी, बहुत बढ़िया, भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर। आइए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सामने टेंपल है। मेरे को मार्केट बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर, शांत। हालांकि आप गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन मैं गाड़ी लेके नहीं आया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ के ट्रैफिक में नहीं पसंद। हालांकि दलाई लामा सेंटर में वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन आप देख रहे हो मेरे पीछे गली कितनी छोटी है, यहाँ जब जाम लगता है ना बड़ा तगड़ा लगता है। और हमें पूरा, और अगर गाड़ी में घूमना है ना, फिर आप गली का मज़ा नहीं ले सकते। मैकलोडगंज का ये पूरी मैकलोडगंज मार्केट है, और जैसा कि आप देख पाएंगे अभी यहाँ भी कॉम्प्लेक्स बना हुई है, क्या बात है, जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है, मार्केट ही बन रही है, शॉपिंग चल रही है यहाँ पे, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, सारा लेडीज आइटम है यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत बढ़िया। आइए देखो कितनी लगती है गाड़ी, कितना छोटा सा रोड है, अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। ना पंजाबी ढाबा, फिर आई गाड़ी। मेरे वीडियो ऐसे होते हैं भाई, खुले बड़े बड़े बनाता हूँ, और क्या, ये बात है, अरे वाह। चलो यहाँ से तो मैं वादियाँ दिखाता हूँ कैसी लगती हैं, यहाँ से देखो कैसी सुंदर वादियाँ लग, कैसी सुंदर वादियाँ लग रही भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, क्या गजब का हिमालयन वैली है भाई, भाई जबरदस्त, 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 बहुत ही सुंदर, क्या बादल छाए, क्या। चलिए और आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही औसम, भाई वाह, मन भावन, प्यार दीवाना होता है, अनजाना होता है, हर किसी के हर गम से बेगाना होता है। अब देखेंगे कैसा बंदा है, इतनी फ्रेंड से तो भी अकेला घूम रहा है, बिल्कुल आजादी, आजादी। देख रहे बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, अब हल्की हल्की ठंड लग रही है, जब गाड़ी से उतरवा तब ठंड थी, बाहर आया अभी थोड़ी गर्मी हुई, अब हल्की हल्की ठंडा क्या है। हाँ, एक गाड़ी और आ गई है भैया, इसे भी निकलने दो, ठीक, वाह भाई वाह, जबरदस्त भाई, वाह, आ गया वो टेम्पल जिसका इंतजार था, वो टेम्पल आ गया, सारी एंटिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, कैफे, बार, देसी ठेका, सब है भाई, वाह क्या बात बना है, क्या शोरूम है, जबरदस्त, अरे वाह,
क्या बात है वेदांता, क्या बात है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत बढ़िया। ये अभी नया बना है, मेरे सामने मेरे को अच्छे से याद है बन रहा था ये 4 साल पहले, लेकिन अब बहुत बढ़िया सवारे हैं। और ये आ गया सामने वो टेंपल जिसका मैं इंतजार था, और ये जगह भी खाली, देखना अभी 2-4 साल में यहाँ भी कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। चलिए करीब करीब आ ही गए हम आगे, भाई वाह, मन प्रसन्न हो गया, इतना शानदार लग रहा है, ये खूबसूरत नज़ारे, क्या वादी है, अरे वाह क्या जबरदस्त वादी है, खूबसूरत, क्या वादियाँ हैं खूबसूरत, दिल्ली में है ना अपने मोनेस्ट्री तिब्बत बाजार, सेम वो छोटा है यहाँ बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा तिब्बत मार्केट है, धर्मशाला स्काई वे टाटा इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, मैक्लोडगंज का यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है, भाई वाह देखो क्या सेट, भाई वाह धर्मशाला स्काई वे कितना अच्छा लग रहा है ना, जबरदस्त ऑसम, बहुत ही शानदार, बहुत ही दिलकश, बहुत ही, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, यह है मैक्लोडगंज शानदार मार्केट, भाई क्या शानदार मार्केट है भाई, मजा आ गया दिल को जो मैक्लोडगंज के शानदार मार्केट देखते हैं, और क्या ये वो एक ठेका शराब इधर भी है, अच्छा ठेका शराब है इंग्लिश है, कोई बात नहीं जी, देसी भी मिलके इंग्लिश मिलके भैया जिसको जो चाहिए हो, इंग्लिश वाला एंड में देसी वाला पहले है, ठीक है ना, इंग्लिश वाला एंड में और देसी वाला पहले है, मैं तो कहूँगा मत पीना क्योंकि मैं नशे के खिलाफ हूँ, लेकिन बता दिया पीने वाले तो पियेंगे, मेरे कहने से कुछ कोई होगा, ठीक है, तो बाकी 4 साल में काफ़ी बदल गया, ये 4 साल में बहुत ज़बरदस्त हो गया, आजा भाई आजा, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, एक कॉम्प्लेक्स और में सभी आए हैं पूरे घूमने के लिए, बहुत बढ़िया, अरे भैया विश्वास ही नहीं हो रहा क्या डेवलप हुआ है यार, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है, क्रिस्टल सिट्रस होटल, क्या बात है, क्या बात है, क्या मार्केट है, और अभी सीजन में आओगे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्या बात है जबरदस्त, अरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिल कॉम्प्लेक्स, क्या बात है, इतना बढ़िया सेल क्या लगी पड़ी है, और आ गए हम और आगे तक, मेरे को तो यहाँ पैदल घूमने मज़ा आ गया, इसमें पैदल मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर, हालांकि मेरे को चाय पीने की तलब उठ रही है उस समय, और पहले सोच रहा हूँ क्योंकि बारिश ना हो जाए, और देखो रोप वे देखिए यहाँ पे जहाँ से वो आते हैं, है रोप वे यहाँ से आता है, ट्रॉली आती है रोप वे जो बन के तैयार हुआ पड़ा है, ये नीचे से आता है धर्मशाला से, ठीक है मेरे पास गाड़ी है मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, ठीक है ना, आइए ठीक है, और बहुत जल्दी है मंदिर तक पहुँचने वाले हैं, आ ही गए सामने दिख ही रहा है मुझे बरिस्टा सुपर वे, क्या बात है जबरदस्त, यहाँ पे तरक्की हुई है भाई, अभी तरक्की हितकारी है, लो जी आप भी बैठे हुए कहाँ से हो, मैं यहीं से हूँ, आप कहाँ से हो, मैं भी यहीं से हूँ मतलब दिल्ली से हूँ खाली क्यों इस समय, अभी टूरिस्ट चलेगा, अभी थोड़ा स्लो है, जरा बारिश पड़ जा रही है इसकी वजह से स्लो, अच्छा तो असली टूरिस्ट का बात है, गर्मी में सर्दी में दिसंबर में टूरिस्ट तो चलता रहता है, मोस्टली गर्मियों में आता है टूरिस्ट, मोस्टली मुझे लगता है सर्दी यहाँ के लिए बहुत बढ़िया है, सर्दियाँ भी ठीक है जबरदस्त, यहाँ पे जब होती है बर्फबारी भी होती है, मैंने एंजॉय किया है 2020-19 में, अभी भी देखो ठंड है, ठंड है अभी है लग रही है, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं ठंड का, अभी नहीं मेरे घूमना फिरना एंजॉय होता बस, हम अकेले घूमते हैं, किसी को लई के साथ लेके खामाखा की दिखावे नहीं करते, अकेले में मस्त रहते हैं, लोग एंजॉय बोतल के साथ करते, बंदियों के साथ करते, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना अकेले घूमना है, अकेले में जो एंजॉय होता है ना वो सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि इंसान आजाद रहता है कि नहीं, आपका शुभ नाम, मेरा नाम सुरविंदर, सुरविंदर जी चलो धन्यवाद भाई धन्यवाद, मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेट अच्छा ये उसमें लगते हैं अलमारी वगैरह के ऊपर, ये बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा आपकी तो कहाँ सप्लाई करते हो, ये
मैकलोडगंज है, लद्दाख है, कई जगह पे दिल्ली में भी होता है, होता है। चलो बहुत अच्छा काम है, चलिए खुश रहिए, धन्यवाद। तो आइए, चलिए भाई ने रोका, अभी खाली पड़ा सीजन यहाँ पे, तो कोई बात नहीं जी, सीजन भी बनेगा। भाई कह रहे हैं कि 2 महीने की छुट्टी होती है गर्मियों में, तब लोग आते हैं। मुझे यहाँ सर्दियाँ अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी में आके फिर बाहर इतनी ठंड नहीं पड़ती, इतनी ठंड तो सर्दियों में पड़ती है। और मेरे से मजे ले रहे भाई, मेरा मजा लेना अकेले है, घूमना फिरना, घूमो फिरो, खाना खाओ, रात को सो जाओ, फिर सुबह अपनी मर्जी से उठो, फिर घूमने फिरने निकल जाओ और अपनी लाइफ को इन्जॉय करो। और जैसे कि यहाँ पे लोग करने आए हैं इन्जॉय, और मैं भी कर रहा हूँ। चलते चलते हम पहुँच गए दलाई लामा का, जो अपना भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, उस पर आ गए। मैं सोचता हूँ उसके लिए दूसरा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये यहाँ मार्केट में घूमता हुआ मैं आ गया, उसके लिए अगला ब्लॉग बनाऊँ। फिलहाल नहीं है, इस वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए, बुद्ध विहार तक। ये है वो मंदिर जिसमें लिखा है दलाई लामा मंदिर, भगवान बुद्ध को समर्पित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ की मार्केट आसपास का पहले आप माहौल देख लीजिए, और फिर इस वीडियो को यही विराम करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, ठीक है ना, मैकलोडगंज पार्ट 3 में। मौसम देख लो कितना जबरदस्त हो रहा है, बादल छटे, खाली घटाएं छाने लग गई, बारिश होनी होनी, ये बात तो तय है। कोई बात नहीं, हम भी घूमने आए। और भगवान बुद्ध का ये सेंटर है, यहाँ भी एक मार्केट है, तो भगवान बुद्ध का ये है। और यह है ये टेम्पल मंदिर प्रवेश द्वार की तरफ से। तो मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के भीतर लेके चलूँगा, और फिर अंदर की सारी खूबसूरती दिखाऊँगा। बहुत ही औसम मंदिर है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो चलिए, मैकलोडगंज से आप सभी को जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। भाई ये लाइन तो मुझे छूट नहीं सकती, क्योंकि इसी राधा नाम से हमारी पहचान है, श्री हरि के दास है, रहते हम बिंदास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।